जी अज सबन पता है कि बहुत बड़ा जोड़ा राजनीति का बोर्ड जो प्रकाश सिंह बादल जी जो कि अधिकार चलाना कर गए हैं उन्होंने अंतिम जी दर्शन के लिए उन्होंने देह जी रखी गई है चंडीगढ़ विखे पार्टी दफ्तर विखे तो काफ़ी सारे महान हस्तियां इतने पहुँच रही जिदे साढ़े हरपाल चीमा जी तो होर साढ़े गुरिंदर सिंह गोगी जी। हाँ जी सर गोगी जी अब तुम इतने पहुंचे हो दो शब्द अज सिख कौम श्रोमणी अकाली दल बहुत मंदभागी भाणा वापरिया जिहदा घाटा ना कदे सिख कौम नूं पूरा हो सकता ना कदे श्रोमणी अकाली दल नूं पूरा हो सकता क्योंकि सरदार प्रकाश सिंह बादल यही शख्सियत सन जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी संघर्ष दे विच सिख कौम के हकों लिए लड़द बतीत की है उन्होंने जान के नाल जिथे पंजाब विकास दियां लीहां तो बहुत परे होने का घाटा पिया उत्थे आपसी भाईचारे सांझ सारिया कौम की सांझ जिहड़ी सरदार प्रकाश सिंह बादल ने बड़ी मेहनत नाल कायम की सी भी जिहड़ा बहुत बड़ा घाटा पिया इस करके अज सारे धर्मां दे लोक सारिया सियासी पार्टियां दे लोक सारिया जथेबंदियां दे लोक है सारे बादल साहब नूं सतिकार भेंट कर लिया रहे हैं चंद मिनटां च देश दे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी इत्थे पहुँच रहे हैं यह सारा बादल साहब की कीती हुई कमाई का सतिकार है जिदे करके तुम देख रहे हैं कि किन्ना भारी इकट्ठ केवल चंडीगढ़ मुख्य दफ्तर चा जदों इतों यात्रा चलनी आ रास्ते च हज़ारा लोगों ने बादल साहब के इस अंतम यात्रा का स्वागत भी करना और कल नूं सही 1 बजे पिंड बादल जिहड़ा बादल प्रकाश सिंह बादल साहब का जद्दी पिंड आ उत्थे उन्होंने संस्कार होना उस वेले भी लखां लोग पहुँचणगे इसलिए मैं समझदा अज का श्रोमणी अकाली दल बड़ा मंदभागा दिन आ जिहदा घाटा सानूं कदे पूरा नहीं हो सकता। प्रधान कर्मचारी दल अगलाणा ग्रुप पंजाब अज का जो बादल साहब जी का जाना बहुत घाटे वाला काम है इन्होंने अपनी जिंदगी बहुत बड़े बड़े संघर्ष किए और मुलाजम हितों की बहुत राखी की लोगों की राखी की तकरीबन किसानों ने बहुत बड़ा घाटा पिया किसानों के बत्ती किन्ने किन्ने ट्यूबवैल इन्होंने ला के दिते ने पानी का प्रबंध किया बहुत बड़िया बड़िया गल्लां इन्होंने कीतियां हैगियां और मुलाजमान नूं घट तो घट 32,000 लोग उस वेले मौके से साड़ी मीटिंग दे विच इन्होंने रैगूलर किए असी इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इन्होंने जान का बहुत बड़ा घाटा पिया जिहड़ा कि ना पूरा होने वाला है इस करके असी इन्हों अज शरदा के फुल पेंट कर आए हैं। सरदार प्रकाश सिंह बादल का इस फानी संसार नूं अलविदा कहना राजनीतिक क्षेत्र दे विच पंजाब दे विच मैं समझदा कि एक ऐसी शख्सियत दे चले जाण तों बाद एक जिहड़ा खला आउंदा नज़र आ रहा है और आने वाले समय च शायद इस खला की पूर्ति भी असंभव है। जितों तक बादल साहब की शख्सियत के बारे में कहा कि वो बहुत ही सूझवान बहुत दूरअंदेशी के नाल फैसले लैन वाले और एक लंबा समा जिन्हों आप कह लिए एक युग का अंत होया 50 साल बतौर MLA 10 बार उन्होंने पंजाब के लोगों की सेवा की और जे मैं अपने जीवन च कहाँ तो बहुत लंबा समा उन्होंने पंजाब के वास्ते संघर्ष के जेल भी कटी सो ना पूरा होने वाला घाटा एक पंजाब के लोगों वास्ते अज जिहड़ा मैं ऐसा महसूस करदा परमात्मा उन्होंने अपने चरणों के स्थान दे और परिवार को जो ये असह दुख है इनू भाणा मनण का बल बख्शे। समागम समारोह जिहड़ा रोसमई रहा जिहड़ा उहदे विच साडे प्रधान रजिंदर सिंह बिंदी जे प्रधान बाबा दस तो भी पहुंचे हुए सन बिंदी जी पहले तो की श्रद्धा के फुल भेंट करते हैं अपना जिवें सब नूं पता है भी अज एक युग का अंत हो गया जिन्हां नूं सियासत का बोर्ड कहिंदे सी साडे बहुत ही सतिकारयोग सरदार प्रकाश सिंह बादल जी कल सानू विछोड़ा दे गए अज हैड ऑफिस चंडीगढ़ में 28 सैक्टर च बड़ी दूरों दूरों संगत ने आके श्रद्धा फुल भेंट किए हैं। असीं तां इह समझदे हां भी जो
बादल साहब ने गरीब परिवारों लिए खास तौर पर दलित समाज लिए किया कोई लीडर नहीं कर सकता। अगर अज अमृतसर के वाल्मी तीर्थ बनया होया है तो वह सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब की देन है। यह जे लीडर यह जे सियासतदान इस दुनिया से बार बार नहीं आते। असी अपने संगठन वालों अपने भाईचारे वालों उन्होंने श्रद्धा फुल भेंट करते हैं तो वाहेगुरु सच्चे पातशाह अरदास करते हैं कि उन्होंने अपने चरणों में निवास बख्शन। बिल्कुल जी, बड़ी वड्डी गल है। अज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जिहड़े स्पैशल तौर पर उन्होंने श्रद्धा के फुल भेंट कर आ रहे हैं, तुसीं देखिया यह बहुत बड़ी गल है जी। आप अक्सर देखते सी जिस टाइम बीजेपी नाल गठजोड़ सी बादल साहब के भी पैरों आते मोदी साहब, अज दिल्ली तो चल के स्पैशल उन्होंने फुल भेंट कर आए श्रद्धा के, यह एक बहुत बड़ी गल है, बहुत माण वाली गल है पंजाब वासियों वास्ते, साढ़े वास्ते, सारे वास्ते। उन्होंने ये नहीं किया भी पार्टी के गठजोड़ है या नहीं है, पर लेकिन फिर भी उन्होंने दिल के इन्नी श्रद्धा के प्यार साढ़े प्रकाश सिंह बादल के दिलों के लिए सी। ये बाकी सही गल है जी, ये भी उन्होंने जिन्ना भी सत्कार अज बादल साहब दिता है शायद ही कोई साढ़े देश का प्रधानमंत्री किसी वास्ते करता होगा। उन्होंने शुरू से ही बादल साहब ने बहुत प्यार सी तो बड़ा सत्कार करते थे। बिल्कुल जी, बहुत ही माण वाली गल है, वड्डी गल है साढ़े पंजाब वास्ते जिहड़े कि साढ़े एक युग का जिहड़ा अंत होया है। बाकी ये गल सही है कि प्रकाश सिंह बादल किसी ने भी कदे भी किसी भी तरह की कोई मंदी शब्द नहीं बोलते थे, बहुत ही मिठ बोलते थे, सबनों सारे मसले जिहड़े बड़े प्यार नाल हल करते थे।